हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मैं ये वीडियो शुक्रवार सर को डेडिकेट करना चाहूंगी। उन्होंने बहुत ही कम एज में फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी दी है। उन्होंने मोटिवेशनल मूवी बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी है। सुशांत सर की हर एक मूवी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपनी हर एक मूवी में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करा है। तो मैं आज की जो ये रेसिपी है वो मैं सुशांत सर को डेडिकेट करना चाहूंगी। अक्सर वे ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा खाया करते थे। उन्हें ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा बहुत पसंद है। तो मैं आज की वीडियो में मैं आपको आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मतलब लग ही नहीं रहा है कि सुशांत सर हमारे साथ नहीं है, पर कोई बात नहीं। जो आज की मेरी रेसिपी है वो सुशांत सर के लिए है, मैं उन्हें डेडिकेट करना चाहूंगी। चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट डाउन करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 1 कप आटा ले रही हूँ आलू के पराठे बनाने के लिए। मैं इसमें 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। अब हम इसका एक सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेते हैं जल्दी से। इसका डो आपको ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, एक मीडियम डो जैसे हम पराठे का बनाते हैं वही डो बना के हमें रेडी कर लेना है। मैं इसको ढक के रख देती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 बॉयल्ड पोटैटो लिए हैं, मैं इसको मैश कर लेती हूँ अच्छे से। मैं इसको ग्रेट कर लो, या आप इसको हैंड से मैश कर लो या मैशर से आप इसको मैश कर सकते हैं। मैंने इसको मैश कर लिए हैं हैंड की हेल्प से। मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर लेती हूँ, 2 ग्रीन चिली, चॉप्ड ग्रीन चिली हैं मेरी। मैं यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। मैंने ये वॉश करके चॉप करके रख लिया था। मैं यहाँ पर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून किचन किंग पाउडर आता है मार्केट में, मैं वो ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरी जो स्टफिंग है वो बनके रेडी हो गई है। अब हम पराठा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर जो हम मीडियम एक लोई लेते हैं पराठे की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने एक यहाँ पर लोई ले ली है, क्योंकि हमें स्टफिंग करनी है तो थोड़ी सी लोई हमें एक्स्ट्रा लेनी होगी। मैं स्टफिंग करने के लिए इसको थोड़ा सा पहले बेल लेती हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, इससे क्या होगा हमारा जो पराठा होगा बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे से बनेगा। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून स्टफिंग ऐड कर रही हूँ। हम इसको राउंड राउंड शेप में बंद कर देते हैं। अब हम इसका हल्के हल्के हैंड से पराठा बना के रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पराठा बना के रेडी कर लिया है, हमारा कितना अच्छा सा पराठा भी एकदम बन के रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पर अपना जो तवा है वो हीट होने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं मेरा जो तवा है वो हीट हो गया है। मैं अपना पराठा बनाना स्टार्ट करती हूँ। हम इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक का पराठा बना के रेडी कर लेते हैं। आप इस पराठे को दही के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप किसी के साथ भी इस पराठे को सर्व कर सकते हैं। ऐसे ही हम 2 पराठे बना के रेडी कर लेते हैं जल्दी से। अब देख सकते हैं 1 साइड से मेरा जो पराठा है लाइट ब्राउन होने तक सिक गया है। अब हम अपना पराठा इधर से भी सिक जाए फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, देन पराठा बना के रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड कर लिया है। आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लो या आप रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस। आप कोई भी ऑयल से अपने जो पराठे को सेक सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा हमारा बनके रेडी हुआ है।
अक्सर सुशांत सिंह राजपूत ब्रेकफास्ट में स्टफ पराठा, आलू का पराठा ही खाते थे, तो मुझे लगा क्यों ना एक बार उनके लिए एक रेसिपी डेलीकेट की जाए। जो भी मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ करे हैं अपनी रेसिपी में, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट डाउन कर दूंगी। आपको कुछ भी लगता है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक ग्रुप एंड फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे सेम प्रोसेस से मैं अपना नेक्स्ट पराठा बना के रेडी कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपना बेल के जो नेक्स्ट पराठा था वो भी रख लिया था। हमारा ये वाला पराठा भी वन साइड से सिक गया है। अब मैं इसको पलट देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये ब्राउन सा सिक गया है। मैं इसको नेक्स्ट दूसरी साइड से भी सेक लेती हूँ, फिर हम इसको पराठा बना के रेडी करेंगे। हम यहाँ पर ऑयल ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पर अपना जो पराठा है वो दोनों साइड से सेक लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा पराठा बनके रेडी होने वाला है। मैं डेली अपने रेसिपी चैनल पे डेली एक न्यू वीडियो डालती हूँ, तो आप ज़रूर देखें। डेली एक नया रेसिपी मैं डेली अपलोड करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट डाउन करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं कि आप मेरे से क्या रेसिपी देखना चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। ऑफकोर्स मैं आपके लिए वो रेसिपी लेकर आऊँगी। आप देख सकते हैं मेरा जो आलू का पराठा है वो बनके रेडी हो गया है। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। कितना अच्छा सा ब्राउन सा आप पराठा सेकें कि जिससे कि आपका पराठा बिल्कुल भी कच्चा ना लगे। हमारे जो पराठे हैं वो बनके रेडी हो गए हैं। मैंने इनको सर्व कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। आप इन्हें दही के साथ, अचार के साथ, किसी के साथ भी, सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट डाउन करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।